ऑर्गेजम क्लाइमैक्स या आनंद की अति उच्च अवस्था पुरुष और स्त्री को आने के लिए 5 टिप्स सोफी हॉलोवेज ने दी हुई है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सोफी हॉलोवेज ने 5 टिप्स दी हुई है जिससे दोनों को भी अत्युच्च आनंद, समाधान, ऑर्गेजम क्लाइमैक्स आ जाएगा। वो क्या है तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। नंबर एक, उन्होंने कहा है कि गो स्लो, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है सेक्स में, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, स्पीड से सेक्स ख़त्म करना है, जल्दी कपड़े निकालो, जल्दी इंटरकोर्स करो, जल्दी पेनिट्रेशन करो, इंटरकोर्स करो, फटाफट इजैकुलेट करो, चलो बाजू हो जाओ, ऐसा नहीं है। आराम से होना चाहिए और टोटल पीरियड जो होना चाहिए वो 30 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। 30 मिनट, और 30 मिनट में क्या क्या आता है? 30 मिनट में फोर प्ले होता है, मतलब सेक्स करने के पहले खेलना, नंबर दो इंटरकोर्स होता है, और नंबर तीन आफ्टर प्ले होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके रिसर्च में 12 मिनट का एवरेज टाइम है एक स्त्री को सुख मिलने के लिए, 12 मिनट्स। तो आराम से करो, स्पीड से मत करो। नंबर दो, इरोजिनस जोन्स जो है, जो योनि लिंग के अलावा है, उसको स्टिम्युलेट करो, उनको एक्साइट करो। इरोजिनस जोन्स जो है वो फोर प्ले में उनको मसाज करो, एक्साइट करो, स्टिम्युलेट करो। और वो कौन से है वो आपको देखना है, वो जज करना है, असेस करना है। यूजुअली चिक्स जब किस करते हैं तो लिप्स का किसिंग होता है, ये जो शोल्डर्स है, ब्रेस्ट है, निपल्स है, बटक्स है, फिर काफ मसल्स है, ईयर से कान, लोब्यूल्स है। तो ऐसे इसमें उनको जब वो स्टिम्युलेट करते, एक्साइट करते, मसाज करते तो उनको बहुत अच्छा आनंद आता है। फिर नेक्स्ट जो करना है वो क्लाइटोरिस है, योनि लिंग है, कि उसका भी टिकलिंग करना जरूरी है। और ये दोनों फोर प्ले के पार्ट है, इरोजिनस जोन्स प्लस क्लाइटोरिस, दोनों फोर प्ले के पार्ट है, दोनों भी करना जरूरी है। नंबर दो की टिप। नंबर तीन, सॉफ्टली करना चाहिए, बहुत रफ हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, बहुत हार्ड हैंडलिंग नहीं होना चाहिए, एकदम मुलायम टच, मुलायम स्पर्श, प्यार का स्पर्श, आराम आराम से। बहुत दर्द होगा उतना भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को दर्द देना अच्छा लगता है, पुरुषों को दर्द देना, कि स्त्री को दर्द होना चाहिए और उनमें उनको मजा आता है। कुछ स्त्री ऐसी रहती है कि उनको दर्द लेने में भी मजा आता है, कि उनको दर्द दे के ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेस करे, बहुत ज़्यादा हग करे, बहुत ज़ोर से करे, उनको उसमें मजा आता है। तो वो मजा आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो दर्द भरा हो सकता है और फिर सेकंड डे तकलीफ होती है। तो इसलिए सॉफ्टली, आराम से, प्यार से, बहुत नरम से करना जरूरी है। नंबर चार, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, वो जरूरी है। बातचीत आप करेंगे बेड पर तो उससे बहुत इंटीमेसी आती है, और सेक्स करने के दौरान भी बातचीत करनी है कि क्या अच्छा लगता है, समाधान हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ऐसे सवाल करना है कि जो सवालों का जवाब हाँ या ना में है, ऐसे सवाल करना है, और क्वेश्चन आंसर्स कम्युनिकेशन होना जरूरी है। नंबर पाँच, सिर्फ इंटरकोर्स के ऊपर ध्यान देने का नहीं है, कि भाई जल्द से पेनिस का पेनिट्रेशन वजाना में करो और इंटरकोर्स करो, वो तो एक पार्ट है। उसके अलावा लेडी के साथ में आप मिक्सअप होते हैं, उसको सुनते हैं, बातचीत करते हैं, प्यार की बातें होती है, रोमांटिक बातें होती है, फिर आप फोर प्ले करते हैं, वो जरूरी है। तो मिक्सअप होना, लिसन होना, ना कि अपना फोकस इंटरकोर्स के ऊपर रखना, नो, इंटरकोर्स के ऊपर फोकस नहीं है, वो तो एक पार्ट है। क्योंकि सिर्फ 30% स्त्री जो है, औरतें जो है, उनको इंटरकोर्स करके मजा आता है, 30%। बाकी 70% औरतों ने यह कहा हुआ है कि उनको जो समाधान सुख मिलता है वो फोर प्ले और आफ्टर प्ले से ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए फोर प्ले आफ्टर प्ले जरूरी है, फोर प्ले आउट प्ले जरूरी है, और इंटरकोर्स है वो भी जरूरी है। तो इंटरकोर्स के ऊपर ध्यान न रखते हुए मिक्सअप होना, लिसन होना, और लेडीज फर्स्ट, औरत का पहले होना जरूरी है ऑर्गेजम, और बाद में पुरुष का होना जरूरी है। क्योंकि पुरुष का यदि ऑर्गेजम पहले हो गया, इजैकुलेशन हो गया, तो उसका इरेक्शन निकल जाता है, बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, और कंटिन्यू नहीं होता, औरत असमाधान में रहती, उसका हुआ ही नहीं है, और आदमी ठंडा हो गया, इसमें फिर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, अपसेट हो जाती है, और उसको लगता है कि मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, मेरा समाधान नहीं किया, और फिर वो नेक्स्ट टाइम तैयार नहीं होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि लेडीज शुड कम फर्स्ट। तो ये जो है सोफी हॉलोवेज की ये टिप्स है, जरूर इसका पालन करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में
मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।